नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गुड़साहिगंज में 6 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना पर सपा नेत्री ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। कन्नौज के गुड़साहिगंज में शुक्रवार को 6 वर्षीय किशोरी के साथ हैवानियत भरी घटना सामने आई थी। इस मामले में शनिवार को समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री प्रतिमा सिंह ने कार्यकर्ताओं सहित कलेक्ट्रेट पहुंचकर सदर तहसीलदार अरविंद कुमार को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक स्थितियाँ अपने चरम सीमाओं लांघ चुकी हैं। हाल ही में कन्नौज जनपद के गुड़साहिगंज में एक 6 वर्षीय किशोरी के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, साथ ही उन्हें 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, महिलाओं बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाया जाए। इस अवसर पर सुनीता शर्मा, कमला कनौजिया, बबली दोरे आदि लोग मौजूद रहे। कन्नौज से राजू वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शशिमा सिंह। आज किस का ज्ञापन था ये? से आज मैं कन्नौज जनपद से गुड़साहिगंज में जो 6 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है उसके संबंध में हम राज्यपाल महोदय जी के लिए ज्ञापन देने आए हैं, जिसका माध्यम हमारे जिलाधिकारी महोदय रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने कन्नौज प्रशासन का, जिन्होंने हमारी बात सुनी व उचित कार्यवाही करने का पूरा वादा किया और उस बच्ची को सही तरीके से अस्पताल पहुंचाया कि आज वह बच्ची खतरे से बाहर है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ही अगर हमारे समाज में चलता रहेगा तो हमारी बच्चियाँ कैसे बाहर निकलेंगी, कैसे पढ़ाई करेंगी। और छोटी बच्ची के साथ ये होता है और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपराध जन्म ले रहा है और हमारी सरकार उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। वह बहुत गरीब असहाय परिवार है, उसकी मदद कौन करेगा? वह तो शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि 10 लाख रुपए का मुआवजा कम से कम परिवार को मिलना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है और अन्य जगह के प्रशासनों को भी इतना सख्त किया जाए कि इस तरह के अपराधी बिल्कुल भी बचने नहीं चाहिए। जिस जगह देखा जाए कई घंटे बीत जाने के बाद ही आरोपी पकड़ा नहीं गया, अगर वो नहीं पकड़ा तो क्या आप लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समाजवादी लोग हैं, हमें लड़कर हक दिलाना आता है और हम लड़ेंगे। ये हमारा महिला मोर्चा है, हम मोर्चा खोलेंगे, हम आंदोलन और धरने पर बैठेंगे। और ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।